तो यार कैसे हो। तो फिर से हम आ चुका है एक ब्रांड न्यू डिवाइन टॉपिक के वीडियो में। तो यार आज का इस वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि भाई आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को दो खुशखबरी सुनाऊंगा, सुनकर शायद आप लोग नाचने लगो। तो यार पहली खुशखबरी यह है कि पबजी को फिर से ऐप स्टोर में डाल दिया गया। हाँ गाइस, पबजी को फिर से ऐप स्टोर में डाल दिया गया। इसका लाइव प्रूफ भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा इस वीडियो में। और दूसरा खुशखबर यह है कि पबजी के अंदर जो न्यू इरांगल 2.0 अपडेट आया है, आप लोग कैसे अपडेट कर सकते हो। हाँ गाइस, बिल्कुल लीगल तरीके से आप लोगों को मैं दिखाऊंगा आप लोग कैसे अपडेट कर खेल सकते हो, क्योंकि भाई पबजी को अभी तक प्ले स्टोर में डाला नहीं गया है और ज़्यादातर लोग प्ले स्टोर का यूज़ करते हैं। और मेरे पास जो गेम सेंटर ऐप्स है इसी के अंदर तो पबजी डाल दिया गया है, और ये ऐप शायद आप लोग के पास नहीं है। तो यार इसलिए मैं आप लोग को दूसरा तरीके से दिखाऊँगा, और ये जो तरीका है ये बिल्कुल लीगल है। तर आज के वीडियो स्टार्ट करने से पहले नीचे जो लाल वाला बटन है ना, उसका सिर्फ कलर चेंज कर दो, कुछ नहीं करना, सिर्फ कलर चेंज कर देना। तो यार सबसे पहले मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि PUBG मोबाइल ऐप स्टोर के अंदर अवेलेबल हो चुका है कि नहीं। तो यार देख सकते हो PUBG मोबाइल न्यू जो वर्सन है 1.0.1 वो ऐप स्टोर के अंदर अवेलेबल हो चुका है, और कुछ ही दिनों के बाद PUBG मोबाइल प्ले स्टोर के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। तो भाई इतना बड़ा खुशखबर सुनाया हूँ मैं। तो यार इसी बात पे सब्सक्राइब बटन का कलर चेंज हो जाना ही चाहिए भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब बटन का कलर चेंज कर देना। तो यार इसके बाद मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि आप लोग कैसे PUBG मोबाइल को डाउनलोड कर सकते हो। तो इसलिए आप लोगों को इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ओपन करना पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्शन ओपन करने के बाद नीचे की तरफ एक लिंक दिख रहा है आप लोगों को, तो उसके ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। तो ओपन करने के बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करिए। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, डाउनलोड PUBG मोबाइल ग्लोबल वर्सन 1.0 अपडेट फॉर एंड्रॉयड और iOS APK प्लस OBV। तो भाई आप लोग इधर से सिंपल सी तरीके से आप डाउनलोड कर लेना, और भाई इधर से सिर्फ APK फाइल डाउनलोड होगा, OBV फाइल नहीं डाउनलोड होगा। तो OBV फाइल को डाउनलोड करने का क्या तरीका है मैं आप लोग को बताता हूँ। तो यार आप जब APK फाइल इंस्टॉल करके PUBG ओपन करोगे, तो उसी के अंदर आप लोग को 1.9 GB का एक अपडेट मांगेगा। आप लोग को वाईफाई कनेक्ट करके अपडेट करना पड़ेगा। तो भाई सिंपल सी तरीका है PUBG इरांगल 2.0 अपडेट करने के लिए। तो यार बस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसके ऊपर और एक वीडियो चाहिए आप लोग को कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर और एक वीडियो लेकर आऊँगा। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आपका ख्याल रहेगा। जय हिंद।